दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा था तो दो मेथड सीखे थे, एक फैक्टराइजेशन वाला और एक रेस्टोरेशन वाला मेथड। आज अपन उसके आगे बात करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, ये भी 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए जब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तब। अपन ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रहा है तब उसको कैंसिल आउट करते थे, और तब तक कैंसिल आउट करते थे जब तक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म वैनिश नहीं हो जाता था। और फिर अपन ने दूसरा प्रोफाइल पढ़ा था कि जब आपका स्क्वायर रूट दिखेगा तो सीधा रेशनलाइजेशन करेंगे 0/0 फॉर्म के अंदर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो दो जगह रूट दिख रहा है तो डबल रेशनलाइजेशन करेंगे। आइए उसी लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, 0/0 फॉर्म की बात करते हैं, लेकिन अब की बार आपका अगर स्क्वायर रूट से हटके अगर कोई हाइयर पावर आ जाए या हाइयर रूट आ जाए, इसका मतलब आपको लगाना है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसको प्यार से अपन लोग बा के नाम से भी बोलते हैं। किसके नाम से? बा। हम सब लोग इसको बा बोलेंगे। आइए, जब भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करना होगा, इसका मतलब ये कब होगा पहले तो ये समझिए, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर हाइयर पावर हो, जब आपके पास स्क्वायर रूट हो तो सीधा रेशनलाइज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपके पास हाइयर रूट हो, क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो या फिफ्थ रूट हो, इन दोनों केसेस के अंदर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन 0/0। ये इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म के लिए भी काम में आता है, लेकिन अभी अपन पर्टिकुलरली 0/0 फॉर्म की बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से यार यू आपको समझाऊं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, ठीक है, fx अपॉन gx वाली फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर भी जीरो बन रहा है डिनोमिनेटर भी जीरो बन रहा है, लेकिन सर ये कह रहे हैं कि अगर ये fx वाला कोई फंक्शन है जो कि हाइयर पावर कंटेन कर रहा है तो उस हाइयर पावर वाली डिग्री को या उस हाइयर पावर वाले एक्सप्रेशन को जिसकी वजह से पूरा 0/0 फॉर्म बन रहा है वो कैसे टैकल करेंगे? जब आपके पास ये हाइयर पावर है या हाइयर रूट है, हाइयर रूट मतलब 1/2, 1/3, 1/4, अगर 1/2 है तो रेशनलाइज कर दो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/100, या आपके पास कुछ आता है पावर 100, पावर 200, पावर 300, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करें 0/0 फॉर्म के अंदर। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि 1+x^n अगर है जिसमें यह शर्त पक्का है यहां पर होना चाहिए ओनली वन, क्या होना चाहिए? ओनली वन, और यह टेंड करना चाहिए जीरो को, टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब ये x की जगह कुछ भी हो सकता है, ये x की जगह x by 2 भी हो सकता है, x की जगह 3x भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी 1 का पड़ोसी होगा वो क्या टेंड करना चाहिए? 0। इसका मतलब मैं कहूं अगर जनरल फॉर्म के अंदर कि 1 प्लस का डब्बा, अब ये डब्बा कुछ भी हो सकता है, x हो, 2x हो, 3x हो, x by 2 हो, x by 3 हो, और यहां पर n कोई भी रियल नंबर, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अगर हो, और ये वाली पार्टी अगर आपको जीरो को टेंड करे और यहां पे शुद्ध वन हो, शुद्ध वन अगर हो, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1+n(n)। अब यहां पर कई बार बात तो बन जाती है 1+n(n) से, लेकिन कई बार अपने को एक और टर्म लिखना पड़ता है n(n-1/2) और डब्बे का स्क्वायर। लेकिन ऑल दो यहां तक में बात बन जाती है, लेकिन आईटी में कुछ क्वेश्चन अच्छे और भी हैं जिनमें आपको तीन टर्म तक ओपन करना पड़ता है, यहां तक भी वो क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा कि सर अपने को दो टर्म तक ओपन करना है कि तीन टर्म तक ओपन करना है। इसका मतलब ये बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाया अपन तो 1+x^n का फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1+nx, यहां तक बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन अगर इसके आगे भी अगर अपन बात करें तो यहां तक कई बार अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आ जाता है। इसके बाद मतलब हाइयर पावर को जो है अपन वो जीरो को मान लेते हैं कि वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि x अगर जीरो के बहुत ज्यादा करीब है तो एक्स स्क्वायर तो और ज्यादा करीब होगा, तो एक्स क्यूब तो और ज्यादा करीब होगा, तो इतना ज्यादा करीब है तो जीरो ही बोल दो, क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब अगर आपका 1+x^n है, अब ये n आपका हाइयर पावर कुछ भी 100, 200, 300, 400, 500, 50 कुछ भी हो सकता है, या 1/50 हो, 1/2 हो, 1/√3 हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहां पे बाइनोमियल का प्रहार कर सकते हैं, सीधा आपका आंसर आएगा। आइए जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्यूब रूट ऑफ 1+x^2 -4√1 - 2x अपॉन में x+x^2। सबसे पहले देखें कि कौन सी फॉर्म है,
क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको हमेशा इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में सोचना है विद्यार्थियों। हमने सोचा कि x अगर 0 रखता हूं तो 0 टेंड करने पर 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1, और यहां पर भी 0 होगा तो 1 का फोर्थ रूट कितना होगा 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो न्यूमरेटर वाली पार्टी 0, डिनोमिनेटर वाली पार्टी फिर भी 0, तो ये कौन सी फॉर्म बनी, 0/0 फॉर्म बनी, हाँ या ना, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, रेस्टलेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है नहीं, हाइयर पावर है, हाइयर पावर का मतलब समझते हो विद्यार्थियों, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 हाइयर रूट है ना, माइनस का 1 माइनस का 2x की पावर कितना 1/4, तो ये हाइयर रूट के कारण अपना दिक्कत दे रहा है, और ये हो जाएगा x कॉमन ले रहा हूं तो 1 प्लस का x। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 0/0 फॉर्म तो पहचानने में आ गया, अब देखिए ये यहां पर आप लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का पहार कर सकते हैं क्योंकि 1 प्लस वाली फॉर्म है, यहां पर 1 है लेकिन उसका पड़ोसी क्या है, 0 को टेन कर रहा है, x अगर 0 को टेन कर रहा है तो x स्क्वायर तो 0 को टेन करेगा ही करेगा, इसका मतलब यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस ये n नीचे आ जाएगा 1/3 ऑफ x स्क्वायर, क्या ये बात समझ में आई, मतलब जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनको अपने क्या लिखा था 1 प्लस का nx, आज n कितना है 1/3 और x की जगह क्या है विद्यार्थियों x स्क्वायर, मतलब डब्बे की जगह क्या है x स्क्वायर और n की जगह क्या है 1/3 यहां पर। अब दो टर्न तक ओपन अपन ने कर लिया, इससे ज्यादा भी करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, वापस से 0 बनना ही आगे, माइनस का ये हो जाएगा 1, फिर आएगा प्लस का 1/4, अब बताओ ये 1 हो गया, आपको तो हमेशा सिखाया था 1 प्लस डब्बे की पावर n होगा, अब आप सोच रहे हो सर यहां पे तो 1 माइनस है तो क्या कर सकते हैं, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस ऑफ माइनस का 2x, तो 1 प्लस ऑफ माइनस का 2x तो 1 माइनस का 2x ही हो गया ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, सही कि नहीं, इजी, बहुत इजी, मतलब आपको सीधा ये 1/4 पावर नीचे उतारनी है और कुछ करना है ही नहीं, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा x * 1 प्लस का x, बस खुशियां ही खुशियां। अब आप देखो ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे तो 1 से बन गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ x स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा 2x/4 ऑफ माइनस का, तो प्लस का 2x/4 अपॉन में कितना बना x * 1 प्लस का x, बोलो सही है कि नहीं। अब आप खुद सोचो क्या मैं न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर न्यूमरेटर में से x कॉमन निकालोगे तो यहां पर क्या बनेगा 1/3 ऑफ x, और यहां पर क्या बचा विद्यार्थियों 1/2, और नीचे अगर देखोगे तो x * 1 प्लस का x देखा, तो ये x x कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसके कैंसिल आउट होने के बाद अब कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बची, मतलब 1/3 ऑफ 0 प्लस का 1/2 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1/2, सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्या विद्यार्थी बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का किस तरीके से अपने को इस्तेमाल करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे अपन बात करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी बढ़िया, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, यहां पर तो 1 प्लस एक्स वाली फॉर्मेशन बनी नहीं रही, अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन बनता तो इसको मैं लिख देता 1 प्लस का एन एक्स, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि जो एक्स है वो 0 को टेंड करना चाहिए। अब मैं ये सोचूं कि एक्स अगर 1 को जा रहे तो 1, अब 1 की पावर 1/13 तो ये भैया 1 बना, 1 की पावर 1/7 भी 1 बना, 1 माइनस 1 0 बना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म, इसका मतलब हाइयर रूट तो है, तो बार लगाने का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने का मन तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा अपन ये सोच रहे हैं लगाएं तो लगाएं कैसे, 1 प्लस 0 की फॉर्म बननी चाहिए। अब 1 प्लस 0 की फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई भी एक साइड LHL या RHL में से किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं कि 1 प्लस का h, आपको पता है कि x अगर 1 को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड करेगा, ये मैं RHL के नजरिए से सॉल्व कर रहा हूं लेकिन कोई भी एक तरीके सॉल्व कर लो, क्योंकि 1 प्लस 0 वाली फॉर्म बना दे क्योंकि हायर रूट है, तो जैसे मैंने x को 1 प्लस का h रखा तो लिमिट h अप्रोचेस टू क्या गया 0 गया। अब आप ये मत सोचो कि RHL सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये अगर सोचोगे RHL सॉल्व कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा सर LHL भी सॉल्व करो, नहीं, किसी भी एक साइड से आप सॉल्व करो ताकि 1 प्लस h वाली कंडीशन दिखे जहां पर h टेंडिंग टू 0 चला जाए, कई बात समझ में आई, तभी तो भैया हायर रूट डील होगा। अब यहां पर अगर मैंने x को 1 प्लस का h रखा तो 1 प्लस h की पावर 1/13 लिखा, माइनस का 1 प्लस h की पावर 1/7 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस h की पावर 1/5 माइनस का 1 प्लस h की पावर 1/3। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको बहुत सारे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगते हुए नजर आएंगे कि अगर 1 प्लस 0 की पावर 1/13 माइनस का 1 प्लस h की पावर 1/7 1 प्लस h की पावर 1/5। अब देखो 1 प्लस वाले फॉर्म अच्छा लगता है इसलिए मैंने RHL साइड ओपन करा,
आपका मन करता है LHL भी कर सकते हो, वन माइनस का एच, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए जैसे अपन यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 + h/13, क्योंकि 1+ का n इंटू एच होगा, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस का 1 + 1/7 टाइम्स ऑफ h होल डिवाइड बाय 1 + 1/5 टाइम्स ऑफ h, और ये हो जाएगा माइनस का 1 + 1/3 ऑफ h। बोलो विद्यार्थियों यहां तक क्लियर हुआ? आगे थोड़ा सा और अपन बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू कितना, 0, और यहां पे 1 से 1 चला गया तो ये कितना हो जाएगा, h/13 माइनस का h/7 होल डिवाइड बाय h/5 माइनस का h/3। क्या हम सारे h को कैंसिल आउट कर सकते हैं? भैया जिनकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था उनको तो कॉमन निकाल के काट दिया, क्या बचा सिर्फ 1/13 माइनस का 1/7 अपॉन 1/5 माइनस का 1/3। आइए इसको सॉल्व करें तो ये देखा 7 माइनस का 13 अपॉन 13 × 7 दैट विल बी 91 होल डिवाइडेड बाय माइनस का 2/15। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो माइनस का 6/91 यहां बना और नीचे बनेगा माइनस का 2 और ऊपर कितना 15, तो कुल मिला के माइनस से माइनस गया और ये 2 3 टाइम्स चला जाएगा और यहां पर 45 बनेगा अपॉन 91। दिस इज द फाइनल आंसर। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आइए लगे आते अपन एक और क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है सुने, आपको ये समझना आ गया कि 1 + x^n में यहां पर 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पे आपको 1 बनाना पड़ेगा। आइए देखें, जैसे क्वेश्चन अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 क्यूब रूट ऑफ 7 + x³ माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 + x² अपॉन में x-1। अब देखो विद्यार्थियों यहां पर अभी तक के दो क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन में 1 था, यहां वाले क्वेश्चन में 1 नहीं था, तो आपने 1 बनाने की कोशिश करी, लेकिन यहां तो क्या करें, ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है और प्यारा हो जाता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 7 कॉमन निकालूंगा तो x³/7 बनेगा, मजा नहीं आएगा। यहां पर तो 7^1/3 बन जाएगा और यहां पे 3 बाहर निकालूंगा तो 3^1/2, नहीं बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं क्या सोच रहा हूं, चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन देखो, क्या चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन देखना, अगर मैं x को 1 + h लिख देता हूं, इससे फायदा क्या होगा कि ये लिमिट एच तो 0 के पास चला जाएगा, ये लिखा हुआ है power 1/3, इसके अंदर का जादू आपको देखना है, 7 + x की जगह मैं लिख रहा हूं 1 + h³। देखो विद्यार्थियों और ये हो जाएगा माइनस का, ये लिखा हुआ है 3 + x² की जगह 1 + h² होल पावर कितना 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + h - 1। क्या 1 से 1 चला गया, यहां पर आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू कितना, 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 7 + 1 + h³ होल पावर 1/3, क्या मैं अंदर ही अंदर यहां पर बा का अप्लाई कर सकता हूं, बा का, जैसे एच अगर 0 को जा रहा है तो 1 + 0^3, तो अंदर ही अंदर अगर आप यहां पे 1 + 3h बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करोगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। अब एक बार नहीं दो बार प्रहार करो, क्योंकि 1 + h^0 मतलब 1 + 0 को टेंड करने वाली क्वांटिटी की पावर 2, तो ये हो जाएगा कितना 1 + 2h। इससे फायदा बहुत करोड़ों का होता है, आइए बताऊं कैसे। ये हो गया h, लिमिट h अप्रोचेस टू कितना, 0। देखो 7 + 1 कितना बना, 8, 8 + 3h^ कितना 1/3 और माइनस का ये हो जाएगा कितना 4 + 2h^ कितना 1/2 होल डिवाइड बाय h। सर आपने यहां पे 1 + h क्यों रखा, अभी तक समझ में नहीं आया। देखो 1 + h इसलिए रखा क्योंकि जब मैं यहां पर 8 कॉमन निकालूंगा तो 8 का क्यूब रूट 2, तो भैया 2 आ गया, और यहां से भी अगर मैं 4 बाहर निकालूंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहां पे लॉपिटल का प्रहार करने से पहले मेरे को यहां से 8 बाहर निकालना है, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, 1 + 3h/8 की पावर 1/3, और यहां से अगर मैं 4 बाहर निकालूंगा तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1 + h/2h/4, तो h/2 लिख देता हूं कि होल पावर 1/2 और इस पूरे की पावर है आपकी कितनी h। क्या बात समझ में? अब देखो यहां से 2 और यहां से 2 तो कॉमन आ गया, तो मैं पूरे में से कॉमन निकाल लेता हूं इस तरीके से, इसमें कोई दिक्कत। आइए अब आगे बात करें, आगे की कहानी यहां पे करते हैं। देखो इसके आगे क्या कहना चाह रहा है, इसमें अगर आप देखोगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अब देखो ये तो 2 है बेचारा, तो 2 तो कॉन्स्टेंट, तो पूरे लिमिट के बाहर लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 + 3h/8 की पावर आपका 1/3 है,
और माइनस का 1 प्लस एच बाई टू की होल पावर आपका 1 बाई टू है ना, और नीचे कितना है h। यहां पे लॉपिटल का प्रहार करो, क्योंकि h अगर 0 को जा रहा है तो 3h बाई 8 भी 0 को जा रहा है, तो 1 प्लस डब्बा जो कि 0 को 10 कर रहा है पावर n, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस का 3h बाई 8 इंटू 1 बाय 3, सही कि नहीं, माइनस का ये हो जाएगा 1 प्लस का h बाई 2 इंटू 1 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कितना h, 1 से 1 चला गया, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, 1 से 1 चला गया, 3 से 3 गया, तो ये कितना हो जाएगा h बाय 8 माइनस का h बाय 4 होल डिवाइडेड बाय h। आप देखें कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया विद्यार्थियों, ये बचा 2, यहां बचेगा 1 बाय 8 माइनस का 1 बाय 4, सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 1 बाय 8, आंसर कम्स आउट टू बी माइनस का 1 बाय 4। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, आगे बात करें। चलिए अपन आगे बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 nth root of x minus 1 upon mth root of x minus 1। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है विद्यार्थियों, ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पे हायर रूट है तो मैं क्या इंडिपेंडेंट फॉर्म 0 बाय 0 चल रही है, क्या मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को देखूं? अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को देख रहा हूं तो x की जगह मैं रख रहा हूं 1 प्लस का h, क्या ये बात समझ में? कोई भी एक LHL या RHL में से एक रख दो, ऐसा नहीं है कि सर इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे मिलते जाएंगे आपके लिए सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में खत्म होते जाएंगे, लेकिन हमें हर फॉर्म को अच्छे तरीके से डेवलप करना है ना, इसलिए मैं एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका हर एक पैटर्न डेवलप हो जाए। मतलब आप जब एग्जाम में बैठो तो भैया बहुत सारे हथियार लेके बैठो, बस आपको यह है कि कौन सा हथियार जल्दी से चलाऊं ताकि आंसर जल्दी से आ जाए, क्लियर? अब देखो x इक्वल टू 1 प्लस का h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h की पावर कितना 1 बाय n माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस h की पावर 1 बाय m माइनस का 1। अब देखो 1 प्लस 0 की पावर 1 बाय n, सीधा प्रहार करो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का, तो 1 प्लस h बाय n हो गया माइनस का 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का h बाय m माइनस का 1, तो ये 1 से 1 गया, ऊपर 1 से 1 गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h by n upon h by m, तो ये h से h गया तो ये जगह m by n, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस बात को आपको समझना है, तो ये आ गया m by n, है ना? तो ये आपका आंसर था। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 7 by 3 माइनस का x की पावर 2 by 3 upon x माइनस का 1। अब ये क्वेश्चन है, अब यहां पर भी देखो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, अच्छा हायर रूट भी है, अच्छा पावर भी बहुत बढ़िया है ना, रैशनल नंबर कुछ भी है, तो यहां पर x की जगह अपन क्या रख रहे हैं 1 प्लस का h। जैसे ही मैंने x की जगह 1 प्लस का h रखा विद्यार्थियों, तो आपके सामने बहुत बढ़िया सी चीज नजर आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस h की पावर कितना 7 बाय 3 माइनस का 1 प्लस h की पावर कितना 2 बाय 3 अपॉन 1 प्लस h माइनस का 1, तो नीचे क्या बना h। अब बस 1 प्लस 0 के पास 7 बाय 3 सीधा ओपन करते जाओ, तो 1 प्लस का 7 बाय 3 ऑफ h, ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 बाय 3 ऑफ h, ये हो जाएगा नीचे h, 1 से 1 चला गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 से 1 चला गया, इसके बाद अगर आप देखें तो 7 बाय 3 ऑफ h माइनस का 2 बाय 3 ऑफ h होल डिवाइडेड बाय h, और यहां पे आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h h h कॉमन आ गया, तो आपका बात बन जाएगी 7 बाय 3 माइनस का 2 बाय 3, आंसर कम्स आउट टू बी 5 बाय 3, सही कि नहीं? अब देखो इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारे मेथड हैं कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन न लगाकर अगर कोई स्टैंडर्ड लिमिट अपने को दिख रही है तो अपन सीधा फॉर्मूला यूज कर लें उसका। तो इसमें आपके कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिनको मैंने बोल रखा है लविंग फॉर्म, तो कुछ लविंग फॉर्म अगर आप याद कर लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होगा, मतलब कम से कम 4-5 स्टेप से तो बच जाओगे। तो कुछ स्टैंडर्ड लविंग फॉर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि पहला लविंग फॉर्म है लविंग फॉर्म। अब धीरे धीरे लविंग फॉर्म चालू हो जाएंगे, अब आपको इन लविंग फॉर्म पर महारत हासिल करनी है। पहला लविंग फॉर्म है विद्यार्थियों लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस का a। अगर ये आ गया तो ध्यान से देखें ये 0 बाय 0 फॉर्म है, जैसे ही x a को अप्रोच कर रहा है तो a की पावर n माइनस का a की पावर n 0 पर, नीचे भी 0, तो ये कितना हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1। क्या इसमें किसी को डाउट? तो n a की पावर n माइनस का 1 बन गया। अब आप ध्यान से देखें इसको, इसका प्रूफ भी मैं आपको देता हूं, और प्रूफ बहुत इजी है।
कोई भी एक साइड x की जगह क्या रख दो, a प्लस h, बस आपको यही सीखना है। आज पूरे लेक्चर के अंदर आपने ये सीखा है, क्या पता क्वेश्चन में कोई LHL या RHL रखने से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाए या क्वेश्चन इजी हो जाए, ये आपको पकड़ना है। तो ये हो जाएगा लिमिट। अब जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये हो जाएगा a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n होल डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस का a, a से a चला गया। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब यहां से a कॉमन निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा a की पावर n 1 प्लस एच बाय a होल पावर n माइनस a की पावर n अपॉन h। हाँ या ना, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, a की पावर n कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय a की होल पावर n माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय h। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा a की पावर n 1 प्लस n h बाय a माइनस का 1, 1 से 1 चला गया और ये हो जाएगा कितना h। अब आप यहां पर देखें, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखें इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया a की पावर n, ये हो जाएगा n h बाय a अपॉन कितना h, ये h से चला गया, 0 बाय 0 फॉर्म गया, तो ये हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका डायरेक्ट आना चाहिए कि अगर x अप्रोचेस टू a है तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस का a। ये आप बहुत सी जगह भी लगा सकते हैं, आंखों से देखो कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यहां पर भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। कैसे देखना, यहां पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसका मेथड नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 7 बाय 2, बताओ a क्या है 1, माइनस का 1 प्लस का 1 अगर मैं लिखता हूं यहां पर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 7 बाय 3 माइनस 1, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा x की पावर 2 बाय 3 माइनस 1 अपॉन कितना x माइनस 1। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा x की पावर 7 बाय 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 2 बाय 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस का 1, ये पूरा का पूरा इस तरीके से बना। अब आप फील करो x की पावर n माइनस a की पावर n, अब a में तो भैया कितने ही क्यों ना 7 बाय 3 लगा लो पावर में, यहां पर 1 की जगह पावर में 2 बाय 3 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 7 बाय 3 माइनस 1 की पावर 7 बाय 3 अपॉन x माइनस 1, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस का a, तो ये हो जाएगा 7 बाय 3 1 की पावर 7 बाय 3 माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? माइनस का लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा x की पावर 2 बाय 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस का 1, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 2 बाय 3 1 की पावर 2 बाय 3 माइनस का 1। अब आप फील करो 1 की पावर तो कुछ भी 1, 1 की पावर कुछ भी 1, तो 7 बाय 3 माइनस का 2 बाय 3, तो आंसर कितना आएगा 5 बाय 3, यही आया था। अब आप देखो कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यहां पर भी तो लगा सकते हो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आप ये चीज कर सकते हो बड़े आसानी से। आपको बस ये देखना है कि x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो x की पावर समथिंग माइनस a की पावर समथिंग, तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। अगर आप देखोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अगर मैं एक काम यहां पर ये करता हूं कि x माइनस 1 से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और x माइनस 1 से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया, तो आप खुद बताओ क्या लिमिट आपको पता है कि अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऊपर और नीचे? ये तो मैंने आपको बता रखा है। अब x की पावर समथिंग माइनस a की पावर वही समथिंग, तो a तो 1 है, 1 की पावर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन m। अब a, a क्या है 1 की पावर 1 अपॉन m माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन n 1 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी 1, तो ये कितना आ जाएगा n बाय m, तो ये आपका आंसर आ गया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इस तरीके से अपन आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और अपन देखें, इसको रब कर देते हैं। इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और बढ़िया देखें ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब, करते 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 1 माइनस एक्स की पावर 2n होल डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब,
करते 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 1 माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, कितने टर्म्स हैं यहां पर, 2n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2n टर्म्स हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दूंगा, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन करते 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 x की पावर 2n माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी अगर मैं इसको x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस का वन करते करते x की पावर n माइनस का वन की होल पावर 2 लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचोगे यहां पर तो देखो 2n टर्म्स है, सब में से x माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस की पावर 2n कितना हो जाएगा? प्लस। और यहां पर भी अगर चलो मान लो n ऑड है, तो ये माइनस अगर बाहर निकालूंगा तो माइनस की पावर 2 प्लस ही होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अगर मैं इस x माइनस 1 को नीचे डिवाइड कर दूं x माइनस 1 से, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं, यहां पर एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर मैं x माइनस 1, मतलब न्यूमरेटर में अगर मैं सबको x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं, तो बताओ कितने x माइनस 1 से मैंने डिवाइड किया? x माइनस 1 की पावर 2n, क्योंकि यहां पे x की पावर 1 से लेकर 2n तक ब्रैकेट से, तो मैंने हर ब्रैकेट में x माइनस 1 दे दिया डिवाइड पे। अगर मैंने यहां पर x माइनस 1 की पावर 2n, तो मैं नीचे भी डिवाइड पे दूंगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका करते 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 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये उस पूरे का क्या स्क्वायर। मतलब समझे, आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर 2n ब्रैकेट्स थे, तो नीचे n ब्रैकेट्स का स्क्वायर था, तो ब्रैकेट कितने हुए? 2n। तो मैंने नीचे भी 2n कितने मल्टीप्लाई किया x माइनस 1, 2n, ऊपर भी कितने मल्टीप्लाई किए, 2n। अब देखो आपको पता है लिमिट हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लिमिट x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 1, यहां पे कितना हो जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो कितना हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1। अब 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर कितना हो जाएगा यहां पर n a की पावर, a क्या 1 की पावर, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पर क्या आएगा 4, करते 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 यहां पर इसको देखोगे तो n की जगह आज क्या है 2n, फिर 1 की पावर 2n माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 से लेकर 2n तक का प्रोडक्ट, और नीचे अगर देखोगे तो 1 है, यहां पे आएगा 2, इसका फॉर्मूला होगा तो 3, करते 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 n, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर। अब बताओ 1 से लेकर 2n नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट कितना होगा, 2n फैक्टोरियल, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 से लेकर n फैक्टोरियल n तक का प्रोडक्ट, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो n फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल, तो ये क्या लिखा होगा विद्यार्थियों, 2ncn। क्या बात आपको समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड लिमिट समझाई और बाकी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझाया। आपको ये देखना है, अच्छे क्वेश्चन में कई बार आपको रिप्लेस करना आना चाहिए 1 प्लस एच या x इक्वल टू 1 माइनस एच से, और देखना चाहिए अगर हाइयर रूट या हाइयर पावर आए तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करें। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।